तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोबारा हम आपके साथ हैं एक नए वीडियो और वो वीडियो है मूवी स्टॉर्म का। तो एक्चुअली काफी लोगों का कमेंट मेरे पास आया था कि ये मूवी स्टॉर्म जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, वो उस लॉगिन नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नेट में प्रॉब्लम हो रही है जो भी, लेकिन लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं ये वीडियो बनाऊंगा। इसमें आपको कैसे करना है, कैसे रजिस्टर करना है सॉफ्टवेयर को, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियोज में मिलेगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बीच में आपको इसे कट मत कीजिएगा या इसे आगे फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि फिर अगर फॉरवर्ड करेंगे तो आपको फिर वही प्रॉब्लम आएगी, फिर आप कहेंगे लॉगिन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं मूवी स्टॉर्म के सॉफ्टवेयर पे। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरा एक चैनल है रिवोल्यूशन देव, मैं उस पर एक्चुअली कल या परसों से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाला हूँ। प्लीज अगर आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लाइव स्ट्रीम का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है मूवी स्टॉर्म सॉफ्टवेयर डाउनलोड आपको करना है, तो आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा मूवी स्टॉर्म। तो आपको यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे जाने के बाद आपको लिखना होगा मूवी स्टॉर्म सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड। ठीक है, उसके बाद आपके सामने लिंक ओपन हो जाएगी, फर्स्ट ऑप का जो लिंक है इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार का आपके पास सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा, जहां पे आपको यहाँ पे सबसे ऊपर जो है ये रजिस्टर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन खुल जाएंगे, एक पेज ओपन होगा, इस पे आपका फर्स्ट जो लिखा हुआ है लॉगिन टू योर मूवी स्टॉर्म अकाउंट, और सेकंड है क्रिएट एन अकाउंट। तो हमें जो है क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यूजर नेम आप जो भी डालना चाहते हैं आप यूजर नेम डाल दीजिए, मान लीजिए मैंने रावण डाल लिया। ईमेल आईडी आप डाल दीजिए, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। और ध्यान रहे जो आपकी ईमेल आईडी होगी वो इस समय जो है चल रही हो, ऐसा ना हो कि मतलब आपका जो आपने ईमेल आईडी डाला है उसका पासवर्ड आपको याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये जो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल रहे हैं इस पे एक लिंक जाएगा मूवी स्टॉर्म सॉफ्टवेयर का, वहीं वहां से आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो जो ईमेल आईडी डालिएगा वो आपका जो सही इस समय चल रहा है, जो रनिंग में है ईमेल आईडी, वही आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा। ठीक है, तो आपने जो है अपना ईमेल आईडी डाल दिया जो रनिंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको बताना चाहूंगा। जैसे मेरी जो ये आईडी है रिवोल्यूशन देव 007@gmail.com, और इसका जो पासवर्ड मैंने बनाया है, तो जो आपकी ईमेल आईडी का जो पासवर्ड होता है, जो रियल पासवर्ड है जिससे आप जीमेल में लॉग इन होते हैं, वो पासवर्ड यहाँ पे आपको नहीं डालना है। यहाँ पे पासवर्ड आपको एक नया देना है। ठीक है, तो कोई भी आप पासवर्ड यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है, पासवर्ड मैंने डाल दिया, कोई सा भी पासवर्ड आप डाल दीजिए, उसमें @ ये सारी चीजें भी आप उसमें ऐड कर दीजिएगा बीच में। ठीक है, दोबारा ये कंफर्म करने के लिए आएगा, तो आप कंफर्म वही पासवर्ड जो ऊपर आपने डाला है यहां पे आप डाल दीजिए, और ये फर्स्ट नेम आपसे पूछेगा तो फर्स्ट नेम आप यहां पे डाल दीजिए, जो ऊपर वाला है वही आप डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट नेम यहां पे आप डाल दीजिए। तो इतना डालने के बाद जो है आपके सामने नीचे एक और कुछ ऑप्शंस है, तो सबसे पहला ऑप्शन है आई एम इन एजुकेशन, इस पे आप चेक मार्क लगा दीजिएगा। ईमेल विद मी मूवी स्टॉर्म न्यूज, इसे हटा दीजिएगा इस चेक मार्क को। उसके बाद आई एग्री टू द टर्म ऑफ सर्विसेज कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड एवला, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा, चेक मार्क लगा दीजिएगा। उसके बाद जो लास्ट का ऑप्शन है आई सर्टिफाइड दैट आई एम एट लास्ट 14 ईयर्स ओल्ड, इस पे भी आपको चेक मार्क लगाना है। तो ये जो आपके आई एम एन एजुकेशन, उसके बाद ये दो ऑप्शन जो है आई हैव एन एक्टिवेशन की, इसे आपको हटाना है। ईमेल भी मूवी स्टॉर्म न्यूज, इस पे भी जो चेक मार्क लगेगा उसको आप हटा देंगे, मतलब तीन पे आपको चेक मार्क लगाना है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब जो है हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये आपसे जो है यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है योर ईमेल एड्रेस, योर करंट ईमेल एड्रेस इज revolutiondev007@gmail.com, और नीचे दिया हुआ है योर ट्रायल कंफर्म योर ईमेल एड्रेस टू स्टार्ट मूवी स्टॉर्म ट्रायल। तो ठीक है, तो अब जो है हमें क्या करना है,
हमें जाना होगा हमारी जो ईमेल आईडी है जो हमने वहां पे डाली थी, उस ईमेल आईडी पे हम जाएंगे जीमेल ओपन करके, और वहां पे एक लिंक आया होगा। यहाँ से एक्चुअली जब ये सब ये सारी चीजें आप फिल करके आप जब वहां पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे जो है एक लिंक सेंड कर देगा, ठीक है। तो चलिए हम जीमेल आईडी ओपन कर लेते हैं, जो रिवोल्यूशन देव जो हमने डाला है, ठीक है। जीमेल पर जाते हैं, देखते हैं वहां पर एक लिंक आई होगी। हाँ, ये देखिए आपको सबसे पहला जो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जीमेल आईडी है रिवोल्यूशन देव जो है, यही यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, रिवोल्यूशन देव, ठीक है। और यहाँ पे ये मूवी स्टॉर्म जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए एक कंफर्म मैसेज दे दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है लिखा हुआ है, टू क्रिएट योर मूवी स्टॉर्म अकाउंट एंड स्टार्ट योर फ्री ट्रायल प्लीज कंफर्म योर रजिस्टर बाय विजिटिंग। तो ये नीचे जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। दोबारा ये आपको जो है इसी पेज पे लाएगा जो मूवी स्टॉर्म का जो पेज अभी हम लोग इस पे फिल कर रहे थे, बट हमें वहां से क्लिक करके इस पे आना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए। अब देखिए आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे योर ईमेल एड्रेस, योर करंट ईमेल एड्रेस रेगुलेशन देव इस कंफर्म, यहाँ पे मतलब कंफर्म कर लिया है, ठीक है। ट्रायल आपको जो है यहाँ पे बता रहा है कि 3/5/2020 तक ये रहेगा। तो देखिए अभी तक आपको जो मैंने बताया वो आप समझ गए होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट आपको जो है आपने कोई भी लॉगिन नेम डाल दीजिए, दोबारा ईमेल आईडी में आएगा तो आप अपना ईमेल आईडी वहां पे डाल दीजिए, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद जो है पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड जो है आपका जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है वो पासवर्ड वहां पे मत डालिएगा, ठीक है। नया पासवर्ड कोई भी जनरेट कर दीजिएगा, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग बना के, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे वही लॉगिन योर नेम पूछेगा, नेम कोई भी डाल दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद जो चेकमार्क मैंने बताया था वो सारी चीजें करके आप जब उस पर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे तो आप अपने फिर जीमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास आया है, इस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हमें जो है यहाँ पे आपको दिखा देगा आपके पेज पे वेलकम रावण, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि लॉग इन अब मैं हो चुका हूं। अब यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन है, डाउनलोड फॉर विंडो, डाउनलोड फॉर मैग्नीटोस, पता नहीं क्या है। तो हमें खैर इसको हटाइए, डाउनलोड फॉर विंडो पे हमें क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे आ गया, 26 MB की फाइल होती है, इसे आपको डाउनलोड करना है, सिंपल। ईमेल आईडी सेम आप डालिए जो आपकी ईमेल आईडी चल रही है, पासवर्ड लेकिन आप जो है दूसरा डाल दीजिए, वो ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने डाउनलोड हो गया, इसे ओपन करते हैं। और अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बट अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो है वीडियो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैंने आपको कंफर्म करा दी है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इसे जहां भी रखना चाहते हैं, सी में रखना चाहते हैं, डी में, या जो भी आपकी मर्जी है, जिस फोल्डर में आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। वैसे अभी सी में जा रहा है तो एक मिनट में देख लेता हूँ। स्पेस आप देख लीजिएगा कि आपके कौन से डिस्क में स्पेस है खाली, तो इसमें 11 GB बची हुई है, इसमें मेरा अभी सब फुल ही है, बट ई अभी खाली है तो ई में हम कर लेते हैं। तो यहां से जाके हम जो है ब्राउज करेंगे और ई, ये लोकल ई है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये यहाँ पे ओके कर दिया हमने, यहाँ पे देखिए आपको दिखा दिया ई में जा रहा है ये, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद डोंट शॉर्टकट फॉर ऑल यूजर, डोंट क्रिएट और स्टार्ट मेनू फोल्डर, चलिए क्रिएट शॉर्टकट ऑफ ऑल यूजर, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, इस पे चेक मार्क लगा दीजिएगा, क्योंकि इस पे चेक मार्क नहीं लगाएंगे तो बाहर जो है आपके यहाँ पे जो आइकन बन के आता है वो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, अब आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन बन के आ जाएगा मूवी स्टॉर्म सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया होगा, कहाँ पे है, इधर गया, हाँ ये रहा, ये आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं बन के यहाँ पे एक आ चुका है मूवी स्टॉर्म का, ठीक है, इसे हम फिनिश कर देंगे। तो यही प्रोसेस था, कोई पहाड़ नहीं था, सिंपल सा आपको वहां पे लॉगिन करके ये सारी चीजें कर लेनी है। तो जाहिर सी बात है अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉगिन कैसे होना है।
अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपसे मांगेगा यूजर नेम और पासवर्ड, तो यहाँ पे यूजर नेम जो मैंने रावण डाला था है ना स्टार्टिंग में, और जो पासवर्ड हमने जो क्रिएट किया था, आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं, जो हमने वहां पे क्रिएट किया था नया पासवर्ड जो जनरेट किया था, वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे, यूजर नेम डाल देंगे, और नीचे जो है पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था वो हम यहाँ पे डाल देंगे, वो एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे देखिए जो है लॉग इन एज रावण दे दिया है। ठीक है, अब ये आपका जो है प्रोसेस खत्म, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। और एक चीज और है इसमें, जैसे अगर बाय द वे जो है आपका सिस्टम ऑफ हो गया या बंद हो गया या अभी कोई काम पड़ गया, तो आप इसे कट कर देते हैं, तो कट करने के बाद भी ये इसमें एक बेनिफिट है कि जहां तक डाउनलोड हो रखा है वो वहीं से स्टार्ट होगा। दोबारा से अगर आप कट करने के बाद स्टार्ट करते हैं तो ये वहीं से, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से इस पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मैंने बता दी कि कैसे लॉग इन होना है, क्या करना है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको चीज एक मैं बता देता हूँ, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पे हम जो यूजर नेम और पासवर्ड की बात थी स्टार्टिंग में, तो यूजर नेम माना आप कोई भी डाल दीजिए। मान लीजिए मैंने ये आपने डाल दिया, या आपने डाल दिया विकास, यूजर नेम आपने विकास डाल दिया। ठीक है, मैं फर्स्ट जो स्टेप था उसको मैं बता रहा हूँ, विकास डाल दिया। अब नीचे आपको आना है, नीचे आने के बाद जैसे आपकी ईमेल आईडी है, विकास पासवर्ड है 7263, मान लीजिए कि 6263 ये आपका पासवर्ड है इस ईमेल आईडी का। तो ये जो आपका पासवर्ड है इसको आप भूल जाइए, इसे आपको कहीं नहीं डालना है। ठीक है, इसे हटाइए। अब जो है ये ईमेल आईडी अपनी सही डाल दीजिएगा, और पासवर्ड जो है पासवर्ड आप कोई भी क्रिएट कर दीजिएगा, जैसे कि वी कैप्स में, और एक कैप्स में आपने वी डाल दिया, उसके बाद एट द रेट दिया, उसके बाद एच डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डाल दिया, तो ये पासवर्ड आपने एक नया जनरेट कर लिया। यही पासवर्ड आपको नया करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, और चेक मार्क जो मैंने बताया था वो चेक मार्क पे क्लिक कर देना है। और दोबारा जब लास्ट में जाएंगे आप ईमेल आईडी पे, आपके एक लिंक पे जाइएगा, लिंक से ही आप डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद लास्ट में दोबारा आपसे पूछेगा यूजर नेम आईडी, तो वहां पे आपको क्या करना है, ये विकास आपकी यूजर नेम है। ठीक है, तो ये आप डाल देंगे, और पासवर्ड जो आपने वहां पे क्रिएट किया था स्टार्टिंग में, ये पासवर्ड आप डाल के एंटर कर दीजिएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अभी कहाँ गया मेरा सॉफ्टवेयर, तो देखिए ये फिर से वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यही था दोस्तों मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि काफी लोग कमेंट किए थे तो उसके ही रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बना दिया। तो अब आपको जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा कि लॉगिन कैसे होना है। ठीक है, तो यही था दोस्तों वीडियो में मेरा बनाने का मोटिव था। तो चलिए दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल होप प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप प्लीज अगर आप को वीडियो अच्छा लगा, आपको कोई इससे फायदा हुआ बेनिफिट हुआ, तो हमारे इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में, और जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट कोई भी वीडियो आता है तो आपको आसानी से मिल सके। और एक वीडियो और मैं डालूंगा इसके बाद ये मूवी स्टॉम का ही, कि इसमें वीडियो कैसे क्रिएट करना है। वैसे फर्स्ट तो एक कुछ तो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं इसमें, लेकिन एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें आपको सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप उसमें भी आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, दोबारा मिलते हैं आपके एक नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, बाय। और एक बार लास्ट में आपको फिर से बताना चाहूंगा, मेरा एक रिवोल्यूशन देव मैं स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ, मैं लाइव स्ट्रीमिंग पबजी मोबाइल लाइट का, तो उसे भी प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा उस चैनल को। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक जो है फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो बाय।